तो आपको याद ही होगा ये पिछले वीडियो में मैंने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का प्रयोग बताया था और यही वो एंट्री थी जो हमने पास की थी। अब मान लीजिए कि हम अगर इसका प्रिंट निकालना चाहें, लाइक आप देखिए यहां से जाता हूं डेबुक पे और यहां से ये सैलरी वाला था तो ये सैलरी पे जाता हूं और यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं, फिर एंटर प्रेस करता हूं और यहां से आई बटन प्रेस करता हूं तो ये प्रिंट ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है सैलरी, फिर यहां पे 1,00,000 रुपए, मतलब ये तो बताया जा रहा है कि 1,00,000 रुपए सैलरी पेमेंट की गई है, लेकिन किन किन एम्प्लॉयज को की गई है वो डिटेल इसमें नहीं शो कर रही है। तो वो डिटेल कैसे शो करेगी आइए देखते हैं। तो यहां से हमें जाना है कॉन्फिगर पर और कॉन्फिगर पे जाने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा शो कॉस्ट सेंटर एम्प्लॉयज डिटेल, तो यहां पे वाई प्रेस कर देना है, डबल क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कैसा प्रिंट आ रहा है। तो कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं और यहां से प्रीव्यू इसको करता हूं तो प्रीव्यू करने पे आप देख सकते हैं कि एक एक एम्प्लॉय का डिटेल भी आ रहा है जिन एम्प्लॉयज को हमने सैलरी दिया था। लाइक ये सैलरी है तो सैलरी कुल मिला के दी गई 1,00,000 रुपए, तो राम सर को 30,000 रुपए दिया गया और श्याम को दिया गया 20,000 रुपए, सूरज को दिया गया 30,000 रुपए और यहाँ पे नीतू का दिया गया 20,000 रुपए, तो कुल मिला के 1,00,000 रुपए हो गए और ये 1,00,000 की पूरी डिटेल इस पर प्रिंट होकर आ रही है, उनका नाम भी प्रिंट हो जा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।